मंत्री जी ने हीरो बनने के चक्कर में डॉक्टर को गंदे बिस्तर पर लिटाया, वीडियो बनाया और वायरल किया, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को माफी मांगनी पड़ गई। पंजाब की बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा निरीक्षण करने पहुंचे तो गंदे बिस्तर देखकर उनका पारा हाई हो गया। वाइस चांसलर को कहा कि आप इस गंदे बिस्तर पर लेट कर दिखाइए। फिर वाइस चांसलर को गंदे बिस्तर पर लेटना पड़ा। मंत्री ने वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर को फटकार लगाई तो डॉक्टर राज बहादुर इस अपमान को सह नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और रात को ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर राज बहादुर ने पंजाब सरकार के मंत्री के व्यवहार पर कहा, कल फरीदकोट में मंत्री चेकिंग के लिए आए थे, मेडिकल कॉलेज में 1100 मैट्रेस हैं, सारे खराब नहीं हैं। मंत्री ने पूछा कि मैट्रेस खराब क्यों हैं? मैंने उन्हें कहा कि नए मैट्रेस खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है, नए सामान को खरीदने में 9 महीने का समय लग जाता है। ऐसा लगा कि मंत्री को खराब मैट्रेस ही देखने थे। मंत्री जी ने वीडियो बनाकर बेइज्जत किया तो डॉक्टर राज बहादुर ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष के नेता भी डॉक्टर साहब से जाकर मिलने लगे तो सीएम भगवंत मान ने मंत्री के व्यवहार के लिए फोन कर माफी मांगी। ये मामला दिखाता है कि हीरो बनने के चक्कर में मंत्री कई बार बेवजह किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं, जबकि स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थानों में सामान की कमी के लिए सत्ता में बैठे नेता भी जिम्मेदार होते हैं, जिनके टेबल से फाइलें निकलने में ही लंबा वक्त निकल जाता है। आप मंत्री के डॉक्टर के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।